सभी ख्वाहिशें छोड़कर, कई उम्मीदें तोड़कर, माँ मैं आज जा रही हूँ। मेरी पिदाई पे कोई अफसोस भी नहीं करेगा, आंसू भी नहीं बहेगा, मगर फिर भी माँ मैं अगर लौट कर वापस आऊँ तो ये ना कहना कि मोहे बिटिया ना देना, मोहे बिटिया ना देना। नमस्कार, मेरा नाम निशा मेहता है और मैं आप सबके सामने उस लड़की की कहानी पेश करना चाहती हूँ जो इस दुनिया में आना चाहती थी मगर आ नहीं सकी। 29 अगस्त, आज मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। मम्मा पापा आप नहीं जानते मगर मैं एक लड़की हूँ और मैंने अभी से ही सब सोच रखा है। मेरे काले बाल होंगे, भूरी आंखें होंगी, गाल पे काला तिल भी होगा, एकदम माँ की तरह। और फूल, फूल तो मुझे बहुत पसंद होंगे, मेरा फेवरेट कलर रेड होगा। 30 सितंबर, माँ आपको पता है आज मेरे दिल ने धड़कना शुरू कर दिया। मैं धीरे धीरे करके रोज बढ़ रही हूँ, मेरे हाथ पैर भी अकार ले रहे हैं। पापा अब मैं इंतजार में हूँ कि कब मैं इन्हीं हाथों से आपका हाथ पकड़ के चलना सीखूंगी। माँ आपकी गोद में रोज सर रख के लोरी सुना करूंगी और दादू के कंधों पे बैठ के घूमने में तो बहुत मजा आएगा। मुझे बेसब्री से इंतजार है आप सबके पास आने का, बिल्कुल उतना जितना आप सबको मेरे आने का है। 14 नवंबर, क्या माँ आज हम डॉक्टर पे जा रहे हैं? कितने खुश होगे ना आप ये जान के कि मैं एक लड़की हूं, है ना माँ? पापा तो खुशी से झूम उठेंगे, है ना पापा? माँ, पापा क्या हुआ माँ, आप सब इतने चुप क्यों हो? मैं आप लोगों की खुशी महसूस क्यों नहीं कर पा रही माँ? सब ठीक है ना? दादी आप लोग झगड़ क्यों रहे हो? क्या आप मुझे मारना चाहते हो क्योंकि मैं एक लड़की हूं? मगर क्यों माँ, मुझे नहीं मरना, मैं आप सबके साथ जीना चाहती हूँ माँ। मैं पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ, मैं आप दोनों के बुढ़ापे का सहारा बनना चाहती हूँ। अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे लकीरें भी नहीं बनाई थी माँ, और आपने मेरी किस्मत का फैसला सुना दिया। नहीं माँ, मुझे नहीं मरना, मुझे मत मारो दादी, माँ को रोको, मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना। आप लोग मुझे बिल्कुल मिस नहीं करोगे ना, मगर मैं आप सबको बहुत मिस करूंगी।